जी, अब जो नेक्स्ट आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट एक तो लेक्चर्स होंगे, दो तीन लेक्चर्स, वो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो सेंट्रलिटी मेजर्स हैं उनकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग सेंट्रलिटी की काइंड ऑफ सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है उससे हम लोग शुरू करेंगे, एंड दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ना कि इसके अंदर हम लोग जो है वो वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए कैसे हम लोग सेंट्रलिटी को जो है वो यूज़ करते हैं, फॉलोड बाय मतलब वेबसाइट जब हम लोग उसको कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग कुछ और सेंट्रलिटी मेजर्स की जो एप्लीकेशन है वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, टू अंडरस्टैंड हाउ सेंट्रलिटी मेजर्स आर यूज इन वर्ल्ड वाइड वेब, देर आर लाइक मैनी डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स विच आर यूज इन द वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क। बिफोर गेटिंग इन टू डिटेल्स ऑफ दोज सेंट्रलिटी मेजर्स, लेट अस सी के हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इससे हम लोग नेटवर्क जो है हम लोग किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनके अंदर दे आर रिटन इन एच टी एम एल, ठीक है, और एच टी एम एल के अंदर एक हमारे पास एंकर का टैग होता है, उस टैग के अंदर हम लोग कोई यू आर एल जो है वो देख सकते हैं दे सकते हैं। तो उसके अंदर जिस तरह हमारे पास अगर एक कोर्स का जो है वो हमारे पास, या एक मेरा पर्सनल होम पेज है उसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि आई टीच अ क्लास ऑन नेटवर्क्स ना, और नेटवर्क्स के अंदर जो है वो ये मेरा पर्सनल होम पेज हो गया, उसके अंदर मैंने एक एंकर टैग के थ्रू एक लिंक दे दिया, जो कोर्स का वेब पेज है उसका मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। जो कोर्स का वेब पेज है उसके अंदर में भी एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग का मैंने जो है वो लिंक दे दिया, उस ब्लॉग के अंदर जहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है वहाँ पे शायद एक माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही हो, उसकी किसी प्रोडक्ट की बात हो रही हो, और फिर वहाँ पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज का जो है वो लिंक दे दिया। तो होता क्या है कि जो हमारे पास वेब पेजेस होते हैं एंकर टैग्स के थ्रू वो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। आई होप इतनी एचटीएमएल आप सबने पढ़ी होगी कि एंकर टैग के अंदर होता है क्या, जिस तरह लिखा हुआ आई टीच अ क्लास ऑन, आई टीच ऑन, तो अब ये जो नेटवर्क्स है यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो भी नेटवर्क्स का जो जो पेज है जो जो भी उसकी हमारे पास वेब पेज है उसका लिंक रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो होगा यहाँ पे qau.edu.pk या cs.qau.edu.pk/ /network या sna.html ना, तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो लिंक ये जो है ये एच रेफ का जो टैग है ये इस तरह का हमारे पास लिंक के तौर पे अपीयर होगा, और फिर इस तरह के रेफरेंसेस के थ्रू, हाइपर रेफरेंसेस के थ्रू हमारे पास मुख्तलिफ वेब पेजेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो वी कैन थिंक ऑफ दीज कनेक्टेड वेब पेजेस एज अ नेटवर्क, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसकी एक बिगर पिक्चर लें तो पूरे का पूरा जो वर्ल्ड वाइड वेब है वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ नेटवर्क, ठीक है। यू यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। मे बी इट इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज़ रनिंग ऑन द इंटरनेट, लेकिन इसके अलावा इंटरनेट पे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट जस्ट वन ऑफ देम ना। और इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब की जब हम लोग बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट्स विच आर रिटन इन एच टी एम एल, ठीक है। अगर मतलब तो किसी और डायनेमिक लैंग्वेज में पी एच पी में लिखी हुई है या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिखी हुई है तो वो हमारे पास जो अपीयर हो रही होती है वो बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी जो होती हैं वो एच टी एम एल का कोड जनरेट कर रही होती हैं, और वो जो है हमारे ब्राउजर के अंदर जो है वो रेंडर होकर हमें नज़र आ रहा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब से पहले भी हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स थे, इफ यू थिंक ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एज एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, तो उससे पहले भी हमारे पास थे। जिस तरह ये जो एक नेटवर्क है ये हमारे पास एक साइटेशन नेटवर्क है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो है वो ऑथर का नाम और जो उनका जिस ईयर में उन्होंने पेपर पब्लिश किया था वो आपको ईयर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जिस तरह ये जो पेपर है कॉजीनेट्स वॉट्स का जो 2006 का पेपर है इसके अंदर साइटेशंस हैं, एक 1953 के पेपर की, एक 2004 के पेपर की, फिर उसके अलावा एक ग्रैनोवेटर के पेपर की है जो हम लोगों ने इसकी थ्योरीज जो है वो डिस्कस भी की थी, फेल्ड के पेपर की हमारे पास साइटेशन है। तो इस पेपर के जो एंड पे रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी होगी
उसके अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये वाले पेपर्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पेपर्स जो हैं, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन इस फिगर के अंदर जो नज़र आ रहे हैं ये पेपर्स इसके अंदर जो हैं वो साइड हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास ये भी एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है कि कौन सा हमारे पास जो रिसर्च पेपर है वो किस दूसरे रिसर्च पेपर को जो है वो साइट कर रहा है। तो आपके ख्याल में जो एक अगर हम लोग इसको कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास एक वेब पेज होता है वो लिंक हो रहा होता है किसी दूसरे वेब पेज के साथ या मल्टीपल वेब पेजेस के साथ। यहाँ पे हमारे पास साइटेशन नेटवर्क है, इसके अंदर लिंकेज किस तरह हो रहा होता है, लिंकेज किस तरह हो रही होती है कि एक रिसर्च पेपर होता है, अगर उसने किसी दूसरे रिसर्च पेपर को साइट किया है तो इस पेपर से उस पेपर की तरफ जो है वो हमारे पास एक लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो काइंड ऑफ एक सिमिलर किस्म का है कि बस वहाँ पे वेब पेजेस हैं और यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, और लिंकेज उसी तरह है कि वहाँ पे एंकर टैग के थ्रू है, यहाँ पे रेफरेंसेस के थ्रू है। आपको इसमें और जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब का उसके कंटेंट्स को अगर छोड़ दें, जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको कोई फ़र्क नज़र आता है, कोई एक मेजर डिफरेंस होगा जो चीज़ हमारे पास साइटेशन नेटवर्क में एग्जिस्ट करती होगी वर्ल्ड वाइड वेब में एग्जिस्ट नहीं करती होगी? सर वर्ल्ड वाइड वेब डायनामिक है सर, वो डायनामिक है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं साइटेशन बाद में, राइट? वो साइटेशन के और लिंक्स ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर हमारे पास लिंक्स जो है एक ये बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब का नेटवर्क है उसके अंदर वेब पेजेस मॉडिफाई हो रहे होते हैं, उसके अंदर एग्जिस्टिंग एजेस रिमूव भी हो सकते हैं और नए एजेस ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मरतबा जो रिसर्च आर्टिकल आ गया, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि उसके जो लिंक्स हैं उसमें से कोई लिंक जो है वो निकल जाए, अनलेस के कोई एक पेपर विड्रॉ हो जाए, लेकिन फिर भी उसका रेफरेंस जो है वो बाद में जिन पेपर्स में उसे साइट किया उसके अंदर उसका रेफरेंस जो है वो हमारे पास रहेगा। तो डायनेमिक नहीं है, काइंड ऑफ स्टैटिक है। डायनेमिक इस सेंस में है कि इसके अंदर नए पेजेस नए पेपर्स ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एजेस हैं वो मॉडिफाई नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वेब में चेंज हो रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी आपके जहन में आती हो जो डिफर करती है? क्या इस तरह हो सकता है कि एक वेबसाइट है उसके अंदर किसी दूसरी वेबसाइट वेबसाइट ए है उसके अंदर वेबसाइट बी का रेफरेंस है, और वेबसाइट बी के अंदर वेबसाइट ए का रेफरेंस है? क्या इस तरह हो सकता है वर्ल्ड वाइड वेब में? हो सकता है बट यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता ना, वेरी अनलाइकली कि हमारे पास जो है वो ये चीज़ हो कि एक पेपर के अंदर दूसरे पेपर की साइटेशन और दूसरे पेपर के अंदर पहले पेपर की साइटेशन हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैपन। हो सकता है कि अगर एक ही टाइम पे दोनों पेपर जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं और इवन वो भी फिर साइटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अगर जनरल पेपर है तो उसका हमारे पास जो है वो पब्लिश होने के बाद उसे जो है वो उसका पेज नंबर असाइन होता है, वॉल्यूम इशू वगैरह असाइन होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको इन चीज़ों का जो है वो पता नहीं होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की एक जो हमारे पास और बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इट इज़ काइंड ऑफ अ सबसेट, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ सबसेट in a particular way, a subset of World Wide Web Network, and which is an information network extracted from Wikipedia. Na? A Wikipedia ke andar har ek jo article aapko nazar aa raha hota hai, wo usse aap ek note ke taur pe consider kar sakte hain, aur phir uske baad ek article ke andar agar dusre article ka hamare paas reference hai, wo aapko pata hai Wikipedia ke internal references hote hain, to aapke paas agar wo reference hai to aap दो कॉन्सेप्ट्स को जो वो लिंक कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ आपके पास एक सिमेंटिक नेटवर्क है, आपको सिमेंटिक्स जो है वो बता रहा होगा, क्योंकि दो आर्टिकल सिर्फ उस वक्त कनेक्टेड होंगे जब वो सिमेंटिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान है तो उसके अंदर उसके सारे प्रोविंसेस के लिंक्स होंगे, प्रोविंसेस के अंदर उनके कैपिटल सिटीज़ के लिंक्स होंगे, जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो उसकी इकोनॉमिक्स है उसका लिंक